नमस्कार, स्वागत है जी खबरां दे इस बुलेटिन समय। मैं रमन कुमार। पहला एक नज़र चोणवीं खबरों पर। भारत ने अयोध्या विच राम मंदिर की उसारी की शुरुआत संबंधी पाकिस्तान वालों की गई आलोचना बारे तिखा प्रतिक्रम देंदिया इस पूरी तरह खारिज किया है। भारत ने पाकिस्तान नू देश अंदर फिरकू भावनावां भड़काउण तों बास आउण दी नसीहत की। कहा कि पाकिस्तान भारत के अंदरूनी मामलों में दखल ना देवे। पंजाब यूनिवर्सिटी वालों करवाए गए वर्चुअल समागम दौरान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाना भारत का अंदरूनी मामला है, किसी होर मुल्क में इस विच दखल नहीं देना चाहिए। राष्ट्रपति वालों भाजपा आगू मनोज सिन्हा नूं जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। मनोज सिन्हा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू की थां लैणगे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में सरगर्म मतवादियों की गिनती में कमी आई। डीजीपी ने कहा कि पाकिस्तान ने हुण ड्रोनां राही हथियार सप्लाई करन दा नवां तरीका ईजाद कीता है। जम्मू कश्मीर के पुलिस मुखी अनुसार धारा 370 हटाए जाने मगरों हिरासत में लए गए 504 वक्फवादी आगुओं को चंगे वतीरे के बॉन्ड ते हस्ताक्षर करने मगरों रिहा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके नवी कौमी सिक्ख्या नीति ते करवाए जा रहे कॉन्क्लेव के उद्घाटनी समागम को संबोधन करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा नीति कमेटी ने रैपो रेट को 4% से बरकरार रखने का किया फैसला। भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रधान अश्विनी शर्मा ते राज्यसभा मैंबर श्वेत मलिक ने आज बटाला में शराब दुकान नाल पीड़ित परिवारों नाल की मुलाकात। पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखबिंदर सिंह सरकारिया ते बलबीर सिंह सिद्धू ने तरन तारण जिले में पेंदे पिंडां विच जाके जहरीली शराब त्रासदी के पीड़ितों नाल कीती मुलाकात। मृतकों ते परिवारों नूं 1 करोड़ तों वध राशि दे चैक तकसीम कीते। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारत ने अयोध्या विच राम मंदिर की उसारी की शुरुआत संबंधी पाकिस्तान वालों की गई आलोचना बारे तिखा प्रतिक्रम देंदिया इस पूरी तरह खारिज किया है। भारत के विदेश मंत्रालय के बुलारे अनुराग श्रीवास्तव ने पाकिस्तान को फिरकू भावनावां भड़काउण तों बास आउण की नसीहत की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने तो गुरेज करना चाहिए है। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान सरकार वालों भारत के इस अंदरूनी मामलों बारे दिते बयान को वेख्या है। उन्होंने आख्या कि उन्होंने सरहद पार अतवाद चलाने वाले और घट गिणतियां उन्होंने धार्मिक हकों तो वांछिया रखने वाले पाकिस्तान वर्गे मुल्क तो अजिही प्रतिक्रिया देने हैरानी नहीं हुई, पर पाकिस्तान के ये बयान अफसोसनाक हैं। जिक्रयोग है कि पाकिस्तान ने बीते दिन अयोध्या में श्री राम मंदिर का नींह पत्थर रखे जाने की आलोचना की सी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि जम्मू कश्मीर में संविधान की धारा 370 हटाना भारत का अंदरूनी मामला है, तो किसी होर मुल्क को इस विच दखल नहीं देना चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी वालों सुषमा स्वराज यादगारी भाषण समागम को वर्चुअल माध्यम राही संबोधन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि धारा 370 हटाना जम्मू कश्मीर के हित विच अते देश की एकता ते अखंडता नूं सामने रख के किया गया फैसला है। उन्होंने आख्या कि पार्लियामेंट विच लंबी विचार चर्चा तो बाद अते लोड़ींदे बहुमत नाल जम्मू ते कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया गया है। चीन वालों राष्ट्र की सुरक्षा परिषद विच कश्मीर मसला मुड़ तो उठाया गया, जिस ते भारत ने एतराज जताया है। विदेश मंत्रालय ने भी चीन वालों अपनाए इस रवैये की निखेधी की है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मनोज सिन्हा नूं जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू का अस्तीफा प्रवान करने मगरों तैनात के हुक्म जारी किए हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1985 बैच के गुजरात कैडर के अधिकारी सन, जिन्होंने पिछले वरे अक्तूबर में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वजों तैनात किया गया। जम्मू कश्मीर के पुलिस मुखी दिलबाग सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने हुण जम्मू कश्मीर में मानव रहित ड्रोना राही हथियार ते गोली सिक्का भेजन की नवी तकनीक अपनाई है। श्रीनगर में एक खबर एजेंसी नाल गलबात करदे दिलबाग सिंह ने कहा कि पिछे जिहे पुलिस वालों कुपवाड़ा, हीरानगर, कठुआ ते राजौरी में ड्रोना राही हथियार सप्लाई करन दा पता लगाया गया है। पाकिस्तान वालों हथियार सप्लाई करने का एक होर नवा तरीका वेखण विच आया है। पिछे जिहे ट्रकां राही जम्मू कश्मीर में पंजाब राही हथियार सप्लाई करन दा पर्दाफाश होया। उन्होंने आख्या कि इस वेले जम्मू कश्मीर में अतवादियों को हथियारों की बहुत ज़्यादा कमी है। जम्मू कश्मीर में मौजूदा समय 200 तो घट अतवादी सरगर्म हैं, तो इस नाल सीमा पार तो सिर्फ 26 अतवादी ही भारत में दाखिल हो सके हैं। DGP ने कहा कि इस साल पाकिस्तान वालों सरहद पारों फायरिंग घटनावां में वाधा होया तां जो ओ जम्मू कश्मीर में अतवादियों को तक सके। उन्होंने दस्सिया कि साल 2020 के पहले 7 महीने दौरान सरहद पारों फायरिंग में 75% का इजाफा वेखण नूं मिलिया है। इस साल जुलाई तक पाकिस्तान वाले पासों फायरिंग दियां 487 घटनावां हुई, जबकि 2019 में इसी समय दौरान 267 घटनावां वापरिया सन। उन्होंने आख्या कि पाकिस्तान वालों अतवादियों को घुसपैठ करवाने लई ही फायरिंग की जाती है। भारतीय फौज की चौकसी करके इस साल सरहद पारों सिर्फ 26 अतवादी ही घुसपैठ कर सके। दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों वालों निरंतर जारी अतवाद विरोधी ऑपरेशन करके सरगर्म अतवादियों की नफरी पर काबू पाने में कामयाबी मिली है। इस दौरान पुलिस मुखी ने यह भी दसाया कि एक साल पहला धारा 370 हटाए जाने तो बाद हिरासत में लै गए 504 वक्खवादी नेतावान उन्होंने वालों चंगे वतीरे के बाण से हस्ताक्षर करने मगरों रिहा कर दिता गया है। उन्होंने दसाया कि दूजे सूबे दियां जेलों में भेजे गए कोई 350 वक्खवादी आगुआ तो पत्थरबाजा विचों इस वेले सिर्फ 50 से 60 व्यक्ति ही जेलों में ने, बाकी सारे रिहा कर दिता गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके नवी कौमी सिक्ख्या नीति ते करवाए जा रहे कॉन्क्लेव के उद्घाटनी समागम संबोधन करनगे। प्रधानमंत्री दफ्तर वालों जारी एक बयान मुताबक इस कॉन्क्लेव का मुख्य विषय उच्च सिक्ख्या विच बदलाव लियाउण वाले सुधारां ते आधारित रखा गया। इस समागम मनुखी स्रोत विकास मंत्रालय ते यूनीवर्सिटी गवर्नमेंट्स कमीशन वालों करवाया जाएगा। इस दौरान नवी सिक्ख्या नीति के वख-वख पहलुओं ते सिक्ख्या शास्त्रियों ते बुद्धिजीवियों वालों आपो अपने विचार रखे जाएंगे, जिस विच गुणवत्ता भरपूर सिक्ख्या, खोज अते तकनीकी साधनों की वरतों पर भी चर्चा होगी। मनुखी स्रोत विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक अते केंद्रीय राज मंत्री संजय धोत्रे भी समागम में हिस्सा लेंगे। इस तो इलावा वख-वख यूनीवर्सिटियों के वाइस चांसलर, संस्थावां के डायरैक्टर, कॉलेजों के प्रिंसीपलों तो इलावा होर हितधारक भी प्रोग्राम के शिरकत करनगे। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति कमेटी ने रैपो रेट को 4% से बरकरार रखने का फैसला किया है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कमेटी की मीटिंग मगरों मीडिया को संबोधन करदे कहा कि सारे मैंबर ने सर्वसम्मति रैपो रेट को ना बदलने का फैसला किया है। उन्होंने आख्या कि RBI वालों विकास दर को मुड़ रफ्तार देने मुद्रा नीति के अनुकूल काम जारी रखा जाएगा। COVID-19 के प्रभाव को घटाने भी रिजर्व बैंक काम करता रहेगा। शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई दर निर्धारित टीचों के दायरे अंदर बनी हुई है। उन्होंने दसिया कि रिवर्स रैपो रेट में 3.35% तक बरकरार रखा गया है। शक्तिकांत दास ने दसिया कि चालू वरे की पहली तिमाही दौरान 5.8% और दूजी तिमाही दौरान 6.1% महंगाई दर दर्ज की गई है। उन्होंने आख्या कि COVID-19 की आलमी महामारी के चलदियां देश ते दुनिया के अर्थचारे में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसनों ध्यान में रखदियां मुद्रा नीति कमेटी ने रैपो रेट संबंधी अहम फैसला किया है। RBI के इस फैसले नाल व्याज दरों में भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। ऑन द ओवरऑल आउटलुक फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड एट द एंड ऑफ इट्स डेलिबरेशंस द MPC वोटेड यूनानिमसली टू लीव द पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज्ड at 4% and continue with the accommodative stance of monetary policy as long as necessary to revive growth, mitigate the
केंद्र सरकार वालों चालू माली वरे के बजट दौरान ऐलानी के किसान रेल भलके तो अपना सफर शुरू कर रही है। रेल मंत्रालय वालों दी गई जानकारी मुताबक खेतीबाड़ी के जल्द खराब होने वाले उत्पादों की समय सिर ढोवा ढोवाई लिए शुरू की जाने वाली यह रेल सेवा हफ्तावारी आधार पर चलिया करेगी। भलके शुरू होने वाली इस सेवा लिए महाराष्ट्र के देवलाली तो बिहार के दानापुर तक यह गड्डी चलाई जाएगी। किसान रेल सेवा जनतक निजी भाईवाली तहत चलाई जाएगी। यह रेलगड्डी पटना, इलाहाबाद, कटनी, सतना और होरना कई महत्वपूर्ण स्टेशनों तो ताज़ा सब्जियां, फलां, फुलां, प्याज ते होरना खेतीबाड़ी उत्पादन की ढोआ ढोआई करेगी। इन्हां स्टेशनों तो इलावा यह रेल महाराष्ट्र ते बिहार विचाले पैंदे होरना स्टेशनों ते भी रुकेगी। मंत्रालय ने दस्सिया कि किसान रेल सेवा नूं पलक तो शुरू करन लई सारे बंदोबस्त मुकम्मल हन। चालू माली वरे के बजट इजलास दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने खेती उत्पादन की ढोआ ढोआई लई किसान रेल सेवा शुरू करन दा ऐलान किया सी। भारत में पिछले 24 घंटे दौरान 56,282 नवे कोरोना मामले सामने आने तो बाद देश में हुण तक कोरोना की पुष्टि वाले मरीजों की संख्या 19,64,536 तक पहुँच गई है। पर दूजे पासे कोरोना तो ठीक होने वाले का अंकड़ा भी 13,28,000 तो पार हो गया है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय अनुसार बीते दिन कोरोना वायरस कारण 904 मौत हुई। इस मगरों इस महामारी नाल मरण वाले मरीजों की कुल संख्या 40,699 तक पहुँच गई है। मौजूदा समय भारत में 5,95,501 एक्टिव करोना मरीज मौजूद हैं जो कुल केसों का 30.31% बनता है। सेहत मंत्रालय अनुसार भारत में कोविड-19 मौत दर में होर सुधार होया तो यह दर हेठां 2.07% ते पहुँच गई है। भारत में लगातार कोरोना टैसटों की गिनती में तेज वाधा हो रहा है। भारतीय मैडिकल खोज कौंसल अनुसार बीते दिन देश में 6,64,949 सैंपलों के कोरोना टैसट हुए और हुण तक कोरोना लई 2,21,49,352 सैंपल टैसट किए जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा और पार्टी के राज्यसभा मैंबर श्वेत मलिक ने आज बटाला में शराब दुखांत नाल पीड़ित परिवारों नाल मुलाकात की। उन्होंने मृतकों ने परिवार मैंबर नाल दुख साझा किया। अश्विनी शर्मा ने कहा कि पंजाब सरकार में नैतिकता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। सूबे में इन्ने वड्डे पद्धर से वापरे दुखदाई शराब दुकान तो बाद मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए सी। अश्विनी शर्मा ने कहा कि पंजाब की जनता के नाल नाल हुण खुद कांग्रेसी नाल सरकार ते विश्वास खत्म हो रहा है। इसलिए ही कांग्रेस के आगू भी शराब कांड की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने इस संबंधी राज्यपाल को मांग पत्र भी सौंपया है। उन्होंने आख्या कि शराब कांड प्रशासनिक अधिकारियों सरकारी नुमाइंदियों की मिली भगत तो बगैर नहीं वापर सकता। भाजपा आगू ने कहा कि कुछ पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करने लोग शांत नहीं होंगे। जनता पार्टी के सीनियर नेता उन्होंने परिवारों के अंदर साडा सब का जाना होया श्वेत जी का, मेरा जीवन जी का, जिलाधिक जी का, जिन्होंने पिछले दिन जहरीली शराब के नाल अपनी जान खोई है और उन्होंने परिवारों से जाके इतना मन दुखी होया, इतना व्यथित होया कि यार सरकारां इदां दी हुंदियां। 120 दे करीब करीब जहरीली शराब दे नाल जी जिहड़े अपनी जान खो देन, लेकिन पंजाब दी सरकार कैप्टन सरकार दे कन्न ते जूं ना रेंगे। पंजाब सरकार दे कैबिनेट मंत्री सुखविंदर सिंह सरकारिया ते बलबीर सिंह सिद्धू ने अज जहरीली शराब दुकान नाल प्रभावित तरन तारण जिले के वक् पिंड के परिवारों के मैंबरों नाल मुलाकात की। समुची पंजाब सरकार की तरफों जहरीली शराब के सेवन कारण हुई मौतों से परिवारों नाल दुख साझा किया। मंत्री वालों परिवारक जिया नूं 1 करोड़ तो वध वित्तीय सहायता के चैक भी वंटे गए। इस समय वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के चेयरमैन ते विधानकार डॉक्टर राजकुमार वीरका, विधानकार हरमिंदर सिंह गिल, तरन तारण के डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह, फिरोजपुर डिवीजन के IC हरदयाल सिंह मान, SSP तरन तारण धरूमन निम्बलई ते होर अधिकारी भी मौजूद सन। सुखविंदर सिंह सरकारिया ते बलबीर सिंह सिद्धू ने पीड़ित परिवारों का दुख दर्द साझा करदे भरोसा दिता कि पंजाब सरकार इस दुख की कड़ी में परिवार ते नाल खड़ी है ते उन्होंने हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने दस्सिया कि मृतकों के वारसां नूं 2-2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस घटना पिछे जिहड़े भी दोषी होणगे उन्होंने किसी भी सूरत विच बख्शा नहीं जाएगा। देखो जिहड़े साडे कोल हॉस्पिटल दाखल ने बंदे उन्होंने सारा का टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट शेड्यूल किया जा रहा है और साडी पूरी प्रायोरिटी है कि उन्होंने सारा छेती तंदुरुस्त होने अपने घर जाने
तो उस करके मैं आप भी निजी तौर पर जिते आया जो मेरा CMO भी इतों के नाल ने जिते कोई दिक्कत हैगी पूरी करा। देखो बिल्कुल ही अज असी कल साढ़े कैबिनेट की मीटिंग साढ़े CM साहब ने बड़ा बड़ा इस गल से मैसेज दिता कि 302 का सारा मर्डर केस बुक किया जिहड़े बंदे जिम्मेवार। देखो जो इन्वेस्टिगेशन होनी है वो जो लोग साहब को कि बड़ी पोस्ट क्यों ना हो खिलाफ कार्रवाई होगी। देखो ये सब कुछ जांच तो बाद सामने आऊगा चाहे वह अकाली दल का हो चाहे कांग्रेस का हो चाहे होर कोई ना क्यों ना हो जो बंदा कानून तो बड़ा कोई नहीं। सो जी इस बुलेटिन दी खबरां मुकदियां ने अपना ख्याल रखो हुण इजाजत दिओ नमस्कार।